सो हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे एंड मस्त होंगे। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप अपनी नॉर्मल सी वीडियो को यहां पर 4K में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो, यानी आप अपने वीडियो की क्वालिटी को कैसे बढ़ा सकते हो वो भी अपने एलाइट मोशन में, जो कि काफी ईजी है। आप अपने एलाइट मोशन को यूज करके बहुत ही आसानी से अपने वीडियो को HDR वीडियो बना सकते हो। तो उसके लिए अपने वीडियो को एंड तक देखना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो यह बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो बस इसके साथ पहले यहाँ से आपने अपने लाइट मोशन को ओपन कर लेना है। सो यहाँ से मैं अपना लाइट मोशन को ओपन कर लेता हूँ। सो आपको नीचे एक प्लस मिलेगा तो आपने इस प्लस पे एक बार क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपने कोई सभी शेप सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं 9x16 को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट प्रोजेक्ट, आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपको नीचे एक प्लस मिलेगा तो आपने इस प्लस पे क्लिक कर देना है। यहाँ से सेकंड नंबर पर मीडिया, तो आपको मीडिया पे क्लिक कर देना है। यहाँ से अपने वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है अपनी गैलरी से। सो यहाँ से मैं अपने वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो हमारा वीडियो यहाँ पर आ चुका है। सो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपल सा वीडियो, अभी यहाँ पर इसका क्वालिटी काफी लो है। तो अभी हम इसको HDR इफेक्ट अप्लाई करेंगे। तो आपको यहाँ स्टार्टिंग में आना है एंड स्टार्टिंग में आने के बाद आपको नीचे प्लस पे एक बार क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपने इस वाले शेप को सिलेक्ट करके आपने इसको फुल स्क्रीन कर देना है एंड नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कलर एंड फिल, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपने येलो कलर को सिलेक्ट करके यहाँ से बैक कर देना है एंड आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। सो उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिफरेंस का, तो आपको डिफरेंस पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपको मिलेगा थर्ड नंबर पर सब्ट्रैक्ट, तो आपको सब्ट्रैक्ट पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से बैक कर देना है। सो इसके बाद आपको मिलेगा ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी के नीचे ऑप्शन मिलेगा एफर्ट्स का, तो एफर्ट्स पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपने एड एफर्ट पर क्लिक कर देना है एंड आपको ऊपर सर्च बार पर सर्च करना है कॉपी बैकग्राउंड। सो बस यहाँ पर आप कॉपी लिखते हैं, आपको सबसे ऊपर मिलेगा कॉपी बैकग्राउंड, तो आपको कॉपी बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है एंड नीचे आपको मिलेगा स्टैंडर्ड सेटिंग, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपने इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से नीचे फिर से एड एफेक्ट पर क्लिक कर देना है एंड अब आपको यहाँ पर ऊपर सर्च बार पर सर्च करना है गॉसियन ब्लर। सो गाइस यहाँ पर आप GAU सर्च करते हैं, आपको सबसे ऊपर मिलेगा गॉसियन ब्लर, तो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ से इसको भी स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है एंड आपको यहाँ पर गॉसियन ब्लर पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से इसका अमाउंट को ऐसे बढ़ा देना है। सो यहाँ से मैं इसको 400 कर देता हूँ, आई थिंक इतना सही है एंड आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है एंड यहाँ से फिर से नीचे एड एफर्ट पर क्लिक कर देना है एंड अब आपको यहाँ पर सर्च करना है एक्सपोजर गामा। सो गाइस यहाँ पर आप EX लिखते हैं, आपको सबसे ऊपर मिलेगा एक्सपोजर गामा, तो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है एंड नीचे आपको फिर से स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है एंड आपको यहाँ पर एक्सपोजर गामा पे क्लिक कर देना है एंड सबसे पहले ऐसे एक्सपोजर को ऐसे माइनस कर देना है। सो यहाँ से मैं -40 कर देता हूँ, आई थिंक इतना सही है एंड नीचे आपको गामा पे क्लिक कर देना है एंड गामा को ऐसे -800 कर देना है। सो इतना सही है एंड नीचे आपको ऑफसेट पे क्लिक कर देना है एंड ऑफसेट को ऐसे -0.6 कर देना है एंड स्क्रीन पे एक बार टाइप कर देना है। सो उसके बाद फिर से नीचे प्लस पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपने इस वाले शेप को फिर से सिलेक्ट करके इसको फुल स्क्रीन कर देना है एंड यहाँ से आपने कलर एंड फिल पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ से व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ से बैक कर देना है। सो इसके बाद आपको ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपको मिलेगा थर्ड नंबर पर कॉन्ट्रास्ट, तो आपको कॉन्ट्रास्ट पे क्लिक कर देना है एंड आपको पहले नंबर पर मिलेगा ओवरले, तो आपको ओवरले को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ से स्क्रीन पे एक बार टैप कर देना है। सो इसके आपको नीचे अपने वीडियो पर एक बार क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपने एफेक्ट पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ से एड एफेक्ट पे क्लिक कर देना है एंड आपको ऊपर सर्च करना है सैचुरेशन वाइब्रेंस। सो गाइस यहाँ पर आप SAT लिखते हैं, आपको सबसे ऊपर मिलेगा सैचुरेशन वाइब्रेंस, तो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है एंड नीचे से आपको इसको भी स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है एंड आपको यहाँ पर मिलेगा सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस, तो सबसे पहले आपको सैचुरेशन को ऐसे बढ़ा देना है। सो यहाँ से मैं बढ़ा देता हूँ, तो आपने अपने वीडियो के हिसाब से बढ़ाना, जितना आपका वीडियो अच्छा लगे उतना बढ़ा देना है। सो यहाँ से मैं देख लेता हूँ, सो आई थिंक इतना सही है एंड नीचे आपको वाइब्रेंस पर क्लिक कर देना है एंड वाइब्रेंस को ऐसे बढ़ा देना है, तो आपके हिसाब से बढ़ाना है, अपने वीडियो के हिसाब से जितना आपको वीडियो अच्छा लगे उतना बढ़ा देना है। सो आई थिंक मेरे वीडियो के हिसाब से सही लग रहा है मुझे, तो मैं यहाँ पे इतना रख देता हूँ एंड आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपने फिर से एड एफएफ क्लिक कर देना है एंड आपको यहाँ पर सर्च करना है चैनल। सो गाइस यहाँ पर आप CHA लिखते हैं, आपको सबसे ऊपर मिलेगा चैनल रिमैप RGB, तो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है एंड आपको यहाँ पर इसको भी स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है एंड आपको यहाँ पर चैनल रिमैप RGB पे क्लिक कर देना है। सो आपको यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, तो आपको मिलेगा थर्ड नंबर पर B, तो आपको B से हटाकर आपने ऐसे G कर देना है एंड आपको अपने स्क्रीन पे एक बार टैप कर देना है। सो आप देख सकते हैं काफी अच्छे से HDR इफेक्ट अप्लाई हो चुका है।
सो इसके बाद आपको इस एफर्ट को पूरे वीडियो पर अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपने इन तीनों लेयर को ऐसे सिलेक्ट कर लेना है एंड आपको यहाँ पर वीडियो के लास्ट में जाना है। लास्ट में जाने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। सो यहाँ से आपकी पूरे वीडियो पर अप्लाई हो जाएगा एंड इसके बाद आपको इन तीनों को ऐसा अनटिक कर देना है। सो यहाँ पर आप देख सकते काफी अच्छे से एच डी आर एफर्ट अप्लाई हो चुका है। सो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपने वीडियो को एच डी आर एफर्ट दे सकते हो एंड इसके बाद इस वीडियो को सेव करने के लिए आपको ऊपर एक एरिया मिलेगा, तो आपने इस एरिया पर क्लिक कर देना है एंड नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट का, तो एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। सो यहाँ से सेव हो जाएगा आपकी गैलरी में। सो गाइस आज के लिए बस यही तक, वीडियो किसी लगे नीचे कमेंट में जरूर बता देना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो यार मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में।